नमस्कार, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड के लिए हमने यूनिट फर्स्ट शुरू की थी, लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं हम आज इसके लिए, किसके अंदर? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस में हम हमारा फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि कैसे जितने भी मेटल्स हैं, लिगेंड्स, उनको हार्ड एंड सॉफ्ट में डिवाइड किया गया है। पियर्सन का सिद्धांत देखा था, HSCB थ्योरी देखी थी कि हार्ड हार्ड के साथ और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ रिएक्ट करता है। हमने सिम्बायोसिस देखा था, सहजीविता क्या होती है, कि जो हार्ड लिगेंड होते हैं वो उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जो पहले से हार्ड लिगेंडों से जुड़ा हो, सॉफ्ट लिगेंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जो पहले से सॉफ्ट लिगेंडों से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे थे? HSCB सिद्धांत जो हमने पढ़ा था उसके कुछ यूज़ देखे थे, एप्लीकेशन देखी थी कि कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन हैं, कहाँ पर हम इसको HSCB का यूज़ करते हैं। तो हमने कुछ एक दो जगह पढ़ भी लिया था, आज हम देखते हैं और यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो जो अगला यूज़ है, हमने क्या देखा था? संकुलों के स्थायित्व की जो पहला यूज़ देखा था उसमें देखा था कि HSCB द्वारा हम संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं कि कौन सा संकुल स्थायी बनेगा, कौन सा संकुल स्थायी नहीं बनेगा। अब हम ऐसे संकुल देखेंगे, अब तक हमने जितने भी संकुल देखे थे वो या तो सेम तरह के लिगेंडों से बने थे या डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिगेंडों से बने थे। लेकिन अगर संकुल किसी उभयदंतुक लिगेंड से बना हो, उभयदंतुक द्विदंती लिगेंड, उभयदंतुक कैसा होता है भाई? एम्बाइडेंटेड बोलते हैं जिसे। एम्बाइडेंटेड उभयदंतुक का मतलब जिसके पास ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, यानी जिसके पास एक से ज़्यादा दाता परमाणु हो, लेकिन एक टाइम पर वो किसी एक दाता परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, जैसे SCN। ठीक है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में और यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो SCN है। जैसे हमने क्या लिखा, ये वाला लिगेंड लिया SCN, तो यहाँ पर दो दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा संकुल पर, उसके कैसे जुड़ने की हम व्याख्या करेंगे और कैसे बताएंगे कि किस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लिगेंड कौन से एटम से जुड़ेगा, सल्फर से जुड़ेगा या नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो जो आज हमारा टॉपिक है, जो अगला उपयोग हम पढ़ने वाले हैं वो है, जो तीसरा उपयोग हम पढ़ने वाले हैं वो है उभयदंतुक लिगेंडो युक्त, उभयदंतुक लिगेंडो युक्त संकुलों में उभयदंतुक लिगेंडो युक्त संकुलों में बंद प्रकृति की व्याख्या, यानी कि हमारे जो उभयदंतुक लिगेंड युक्त संकुल होंगे उसमें बॉन्ड की नेचर कैसी होगी, जो बॉन्ड बनेगा उभयदंतुक लिगेंडों के साथ उसकी नेचर कैसी होगी वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है, हमने जो कठोर मृदु अम्लक्षारक सिद्धांत पढ़ा है उस पर देख हम स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जो यूज़ देखे थे उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़े थे ना, जिसमें हमने देखा था जिसमें SCN लिगेंड भी यूज़ हुआ था, तो अगर आपको याद रहेंगे तो पेज पलट कर देखिएगा। ठीक है, आपने नोट्स बनाए होंगे तो पेज पलट कर देखिएगा। तो वहाँ हम ये तो बता सकते हैं कि कौन सा एटम कौन से उससे जुड़ेगा, लेकिन उसकी नेचर कैसे होगी वो हमें यहाँ डिफाइन करना है। कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई हमारा उभयदंतुक लिगेंड, तो हम ये लिख सकते हैं कि उभयदंतुक लिगेंड का मृदु क्षारक परमाणु मृदु अम्ल का मतलब धातु आयन से जुड़ता है जबकि कठोर क्षारक परमाणु, दिख तो रहा है वहां तक, जबकि कठोर क्षारक परमाणु कठोर अम्ल धातु आयन से जुड़ता है। कहने का क्या मतलब है भाई, कहने का मतलब है मान लो हमने यही लिगेंड का एग्जांपल ले लें SCN- तो यहाँ पर दो दो डोनर एटम दिख रहे हैं आपको, एक तो सल्फर है और एक नाइट्रोजन है।
सल्फर से भी बॉन्ड बन सकता है, सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है, और कौन बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर कौन बॉन्ड बनाएगा ये डिपेंड करेगा कि इसकी नेचर कैसी है। सल्फर बॉन्ड बनाएगा मेटल से या नाइट्रोजन बनाएगा, ये इनकी नेचर पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं नाइट्रोजन एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक है ना, और प्रबल विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से ये कैसी नेचर का होता है, हार्ड नेचर का, मतलब दाता परमाणु तो है यानी कि हार्ड, नेगेटिव चार्ज है तो क्षार होगा यानी बेस होगा, तो ये कैसा बेस होता है, हार्ड बेस। हार्ड बेस का मतलब कठोर क्षार होता है ये। और जबकि सल्फर की बात करें तो सल्फर का साइज बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से ये कैसा होता है, सॉफ्ट बेस होता है, सॉफ्ट क्षार होता है, मृदु क्षार। तो सल्फर क्या है, मृदु क्षार। नाइट्रोजन क्या है, कठोर क्षार है। तो जब ये संकुल से जुड़ेगा, जब ये संकुल से जुड़ेगा तो इनकी नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इन दोनों की नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम जो धातुएं ले रहे हैं संकुल बनाने के लिए वो मृदु प्रकृति का है, कैसा है, मृदु है, तो वो किससे जुड़ेगा, तो वो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर वो खुद मृदु नेचर का है तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, सल्फर के साथ, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर जो हमने धातु आयन लिया है वो कैसा है, कठोर नेचर का है, तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लें अगर हम, ये मिटाते हैं पहले, एग्जाम्पल अगर हम लें, फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं एस सी एन माइनस क्या है, एस सी एन माइनस एक एम्बाइडेंटेट, एम्बाइडेंटेट का मतलब उभय दंतुक लिगेंड है, ठीक है, उभय दंतुक लिगेंड है, जिसमें सल्फर कैसा होता है, सॉफ्ट, और नाइट्रोजन कैसा होता है, हार्ड होता है ना। तो यहां लिख सकते हैं कि यह सल्फर तथा नाइट्रोजन द्वारा धातु आयन से जुड़ सकता है, धातु आयन से जुड़ सकता है। तो हमने जो अब धातु आयन लिया है वो पीडी लिया है, प्लेटिनम लिया है, प्लेटिनम 2+। और प्लेटिनम 2+ कैसा होता है, अगर प्लेटिनम देखा जाए तो अपने वर्ग में भारी संक्रमण तत्व है, +2 स्टेट में हो, तो ये सॉफ्ट में आता है, किसके अंतर्गत आता है, सॉफ्ट मृदु अम्लों के अंतर्गत आता है। तो पीडी 2+ की बात करें तो पीडी 2+ एक क्या है, एक मृदु अम्ल है। अतः जब हम Pd2+ लिया है हमने, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, SCN- से कराएंगे, 4 लिगेंड लिए हैं SCN- के, तो ये लिगेंड किससे जुड़ेगा, सल्फर से जुड़ेगा या नाइट्रोजन से जुड़ेगा, हमें पता है ये कैसा है, सॉफ्ट नेचर का। सल्फर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, नाइट्रोजन कैसा होता है, हार्ड होता है, और कौन जुड़ना चाहेगा, HSAB के अनुसार सॉफ्ट की रिएक्शन किसके साथ होगी, सॉफ्ट के साथ, यानी कि ये संकुल किसके साथ बनेगा, ये संकुल बनेगा सल्फर के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा PdSCN का होल 4 2-, ये संकुल बनेगा। और ये भी कैसा बनेगा, संकुल स्थाई बनेगा, क्योंकि ये किसकी रिएक्शन से बना है, सॉफ्ट सॉफ्ट की, क्योंकि प्लेटिनम भी सॉफ्ट है, इसलिए ये सल्फर के साथ जुड़ेगा, क्योंकि सल्फर भी सॉफ्ट है। एक और एग्जांपल लें तो अगर हम क्या ले लें, कोबाल्ट ले लें, CO2+ ले लें, ठीक है, क्या ले लें, CO2+ ले लें, और CO2+ कैसा है भाई, CO2+ अब तक हमने जो पढ़ा था वो CO3+ था, +3, और CO3+ जो होता है वो हार्ड होता है, क्योंकि आवेश बढ़ गया, +3 चार्ज है, और यहाँ पर तो कैसा चार्ज है, +2, और +2 चार्ज तो कम होता है, तो अभी ये कैसा होता है, मृदु होता है, या मृदु ना कहकर के हम इसे क्या कह लें, सीमा रेखा कह लें, क्या कह लें, सीमा रेखा अम्ल है। तो CO2+ की बात करें तो ये क्या है, CO2+ एक कैसा अम्ल है, सीमा रेखा अम्ल है, ना तो कठोर है ना ही मृदु है। लेकिन अगर इसकी तुलना प्लेटिनम से करें तो प्लेटिनम की तुलना में ये कैसा है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, और ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है मतलब प्लेटिनम की तुलना में कठोर है, वैसे तो ये सीमावर्ती है, लेकिन जब इसकी तुलना की जाएगी प्लेटिनम से तो उसकी तुलना में ये क्या है, कठोर है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक सीमा रेखा अम्ल है, परंतु Pd2+ की तुलना में यह कठोर है। अतः नॉर्मली तो ये कैसा था, सॉफ्ट था, लेकिन अगर हम इसकी कंपैरिजन करें किससे, प्लेटिनम 2+ से, तो उसकी तुलना में ये क्या होगा, कठोर हो जाएगा। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, Pd2+ की रिएक्शन कराएंगे किससे, SCN- के साथ, तो हम मानते हैं प्लेटिनम, नॉर्मली तो सीमा रेखा, लेकिन हम तुलना किससे कर रहे हैं, प्लेटिनम से करा रहे हैं, क्योंकि एक रिएक्शन हमने प्लेटिनम के साथ कराया, अब दूसरा किसके साथ करा रहे हैं, कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी तुलना में ये कैसा है, कठोर है, कैसा है, कठोर है। ये कैसा होता है, सल्फर, सॉफ्ट,
नाइट्रोजन कैसा होता है? कठोर, और कठोर कठोर के साथ बॉन्ड बनाएगा, कठोर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कठोर के साथ, तो ये संकुल क्या बनेगा, ये संकुल बनेगा NCS का होल फोर, चार लीने तो NCS का होल फोर टू माइनस, क्या बनेगा ये CONCS का होल फोर टू माइनस। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये कठोर है, कोवल्ट की नेचर कैसी है, कठोर है, तो ये कौन से दाता परमाणु से जुड़ेगा जो कि कठोर हो, यानी कि नाइट्रोजन से। तो अब ये कैसे जुड़ेगा CONCS का होल फोर, क्योंकि कठोर कठोर के साथ जुड़ता है। नोट कीजिए, आगे देखते हैं फिर। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेटल की नेचर ये होगी तो एम्बाइडेंटेड लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड का कौन सा पार्ट उस मेटल से जाकर जुड़ेगा। तो ये था तीसरा यूज। चौथा यूज देखते हैं हम, इससे क्या व्याख्या कर सकते हैं। जो अगला यूज है वो है उत्प्रेरकों के विषाक्त होने की व्याख्या। उत्प्रेरकों के विषाक्त होने की व्याख्या। अब ये क्या मतलब है उत्प्रेरकों के विषाक्त होने का? हमें क्या करना है, उत्प्रेरकों को जहर खिलाना है। विषाक्त करने का मतलब यही तो होता है, जहर खिलाना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझिए या किस सेंस में इसको यूज़ किया गया है। यहाँ पर उत्प्रेरक, उसके पहले आपको ये पढ़े विषाक्त का मतलब समझो, आपको पता होना चाहिए उत्प्रेरक क्या होते हैं। हम जानते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे मेटल्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उत्प्रेरक के तौर पर, उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन में उत्प्रेरक मिला दें तो नॉर्मली वो रिएक्शन हो रही है लेकिन स्लो हो रही है, लेकिन जैसे ही उत्प्रेरक मिलाएंगे तो क्या हो जाती है, वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, है ना। तो उत्प्रेरकों का काम क्या है, उत्प्रेरकों का काम है कि रिएक्शन की अभिक्रिया दर को बढ़ा दें, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी रिएक्शन हम करते हैं उसमें ज़्यादातर हम उत्प्रेरक जो लेते हैं वो कौन होते हैं, धातु होते हैं। जो उत्प्रेरक हम ज़्यादातर लेते हैं वो कौन होते हैं, धातु होते हैं, और वो भी कौन से धातु, संक्रमण तत्व होते हैं, जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, आयरन है, इस तरह के संक्रमण तत्व यूज़ होते हैं ना उत्प्रेरक के रूप में, कई बार देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, धातु होते हैं, और धातु किसका काम करते हैं, ये जितने भी हैं प्लेटिनम है ये सब कुछ हैं, तो ये क्या कैसे धातु होते हैं, मृदु, कैसे धातु होते हैं, मृदु, ठीक है। अब ये क्या होता है उत्प्रेरकों के विषाक्तन क्या होता है, अगर हम हमारे रिएक्शन मीडियम में, यानी कि जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, अगर हम उसमें क्या मिला दें, तो अगर हम कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो रिएक्शन है हमें उसमें ये यूज़ करने हैं, प्लेटिनम या प्लेटिनम ज़्यादातर रिएक्शन में यूज़ होते हैं, प्लेटिनम और प्लेटिनम उत्प्रेरक के तौर पर यूज़ होते हैं, और इन दोनों की ही नेचर कैसी होती है, ये दोनों ही कैसी नेचर के होते हैं, सॉफ्ट एसिड, कैसे हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट एसिड हैं, यानी कि मृदु क्षार हैं, कैसे हैं, मृदु क्षार हैं। अब मान लो कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें हमें इसको मिलाना है, और उसमें क्या यूज़ हो रहा हो, ऐसे लिगेंड यूज़ हो रहे हैं जो खुद कैसे हो, सॉफ्ट हो, जैसे कि कौन कौन से, CO हो रहा हो, PR3 हो रहा हो, ASR3 लिगेंड हो रहे हो, ETC। अगर कोई रिएक्शन हम ऐसी करा रहे हैं जिसमें इस तरह के रिएजेंट यूज़ किए जा रहे हैं जिनमें क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, PR3 हो, ASR3 हो, और हम जानते हैं ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी क्या हैं, क्षार हैं, और वो भी कैसे क्षार हैं, सॉफ्ट बेस हैं, सॉफ्ट बेस का मतलब मृदु क्षार हैं, ये सभी क्या है, मृदु क्षार हैं। तो जो हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें हमने इस तरह के लिगेंड यूज़ किए हैं जो कैसी नेचर के हैं, सॉफ्ट नेचर के, और जो हम उत्प्रेरक ले रहे हैं वो भी कैसी नेचर का है, सॉफ्ट नेचर का। और हम जानते हैं कि उत्प्रेरक का काम होता है रिएक्शन की दर को बढ़ाना, और जब अभिक्रिया खत्म हो जाती है तो वापस हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक की नेचर भी कैसी है, सॉफ्ट, ये भी कैसे हैं, सॉफ्ट। तो इससे पहले कि उत्प्रेरक अपना काम कर पाए उससे पहले ये जाकर क्या हो जाएंगे, इनकी सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे, है ना। उत्प्रेरक कैसे काम करता है, उसकी सतह पर कुछ मुक्त संयोजकताएं होती हैं जिनसे वो वर्क करता है, और उन मुक्त संयोजकताओं से कौन जुड़ जाएंगे, जाकर सॉफ्ट बेस, और सॉफ्ट बेस अगर जाकर उत्प्रेरक से जुड़ जाएंगे
तो फिर ये उत्प्रेरक को रिएक्ट करने देंगे ही नहीं, इसका जो काम है उत्प्रेरक का वो करने देंगे ही नहीं। और इसी को हम क्या कहेंगे कि हमने उत्प्रेरक तो मिलाया था लेकिन अभिक्रिया तेज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उत्प्रेरक बचा ही नहीं, उसका क्या हो गया? विषाक्तन हो गया। यानी कि उत्प्रेरक में जो हमने लिगेंड लिए थे वो पहले उत्प्रेरक के साथ जुड़ गए, और उत्प्रेरक के साथ जुड़ गए तो उसने उत्प्रेरक का जो काम था उसको समाप्त कर दिया, उसका जो यूज होने वाला था उसको समाप्त कर दिया। यानी कि इसी को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक को क्या कर दिया? विषाक्त कर दिया। और विषाक्त कर दिया तो अभिक्रिया की दर फास्ट नहीं होगी, हमने उत्प्रेरक मिलाएं या ना मिलाएं। तो क्या होता है विषाक्तन? कि जो हमने प्लेटिनम और प्लेटिनम लिए हैं अगर किसी रिएक्शन में उत्प्रेरक के तौर पर, और अगर ऐसे कुछ रिएक्शन जो है वो ऐसे मीडियम में हो रहा हो जिसमें सॉफ्ट क्षार हो, यानी कि मृदु क्षार उपस्थित हो, तो मृदु क्षार क्या कर लेते हैं? इन मृदु अम्लों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और इनका जो रिएक्शन का करने, इनको जो एक्चुअल में काम करना था वो करने से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। इनको अभिक्रिया की दर बढ़ानी थी वो करने से इसको क्या कर देंगे? रोक देंगे, क्योंकि ये खुद ही जाकर रिएक्ट कर गए उसके साथ और इसको खत्म कर दिया। इसी को बोलते हैं विषाक्तन, उत्प्रेरकों के विषाक्तन होने की व्याख्या। तो इस तरह से विषाक्त हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तो इनके बारे में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि प्लेटिनम तथा प्लेटिनम दोनों किसकी तरह कार्य करते हैं? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। प्लेटिनम तथा प्लेटिनम क्या करते हैं? प्लेटिनम तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये दोनों कैसे होते हैं? दोनों ही क्या है? ये दोनों ही मृदु अम्ल हैं। तो दोनों ही, ये दोनों मृदु अम्ल होते हैं, दोनों ही मृदु अम्ल हैं। और कठोर क्षारक धारणा के अनुसार हम जानते हैं, कठोर उसके अनुसार, किसके अनुसार? HSAB के अनुसार हम जानते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं HSAB के अनुसार क्या होता है? कि कठोर के साथ तथा मृदु के साथ स्थाई संकुल बनाता है। तो क्या होगा भाई? स्थाई संकुल बनाएगा तो अगर हम, जब भी हम प्लेटिनम और प्लेटिनम उत्प्रेरक ले रहे हैं रिएक्शन में, तो हमको ये चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा कि रिएक्शन में कोई ऐसे लिगेंड ना हो जो कैसे हो? मृदु हो। जैसे कि कौन कौन से ना हो? CO, ASR3, PR3 आदि लिगेंड कैसे होते हैं? मृदु क्षार होते हैं। इसलिए ये PD तथा PT के लिए किसका कार्य करते हैं? विष का कार्य करते हैं। मतलब ये उसको रिएक्ट करने ही नहीं देंगे, PD का जो काम है वो करने ही देंगे, वो काम करे उससे पहले खुद ही जाकर उसकी सरफेस पर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, और जिससे प्लेटिनम का जो रिएक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या लिखा? CO, ASR3, PR3 आदि लिगेंड मृदु क्षार होते हैं, इसलिए ये क्या कर देते हैं? प्लेटिनम और प्लेटिनम के लिए क्या काम करते हैं? विष का कार्य करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये लिगेंड क्या करते हैं? ये लिगेंड PD तथा PT के साथ जुड़कर सक्रिय बिंदुओं को समाप्त कर देते हैं, जिससे जो उत्प्रेरक का काम था वो नहीं हो पाता है ना। सक्रिय बिंदुओं को समाप्त कर देते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। समझ में आया ना यहाँ पर क्या हुआ? कि हमने अगर प्लेटिनम और प्लेटिनम उत्प्रेरक लिए हैं और उस रिएक्शन में क्या मौजूद है? CO, ASR3 या PR3 में से कोई भी अगर मौजूद है,
तो ये कैसे होते हैं, ये भी मृदु क्षार होते हैं। और जो हमने प्लेटिनम प्लेटिनम लिया वो क्या होते हैं, मृदु अम्ल। और हम जानते हैं HSAV के अनुसार सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो प्लेटिनम क्या कर लेंगे, इन लिगेंडों के साथ रिएक्शन कर लेंगे पहले ही खुद जाकर। तो जब ये लिगेंड प्लेटिनम से जाकर जुड़ जाएंगे तो इनका जो काम था वो काम नहीं हो पाएगा, है ना, और रिएक्शन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का विषाक्तन होना, यानी कि जो उत्प्रेरक का काम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। हमने उत्प्रेरक को यूज़ किया था रिएक्शन की दर को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो काम हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेरक का विषाक्तन हो गया। ठीक है, एक यूज़ तो ये है। अगला यूज़ जो है वो है पदार्थों की विलेयता की व्याख्या। HSAV के अनुसार हम पदार्थों की विलेयता की व्याख्या कर सकते हैं, मतलब हम बता सकते हैं कि कौन विलेय होगा और कौन विलेय नहीं होगा HSAV के अनुसार। कैसे करेंगे हम पदार्थों की विलेयता की व्याख्या, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं फिर हम देखेंगे। तो पदार्थों की विलेयता की व्याख्या भी HSAV सिद्धांत से हो सकती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ हैलाइड दे रखे हैं, एक है AgF, एक है AgCl, एक है AgBr और एक है AgI। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो हैलाइड हैं इनकी विलेयता बताओ, कौन जल्दी विलेय होगा और कौन बहुत मुश्किल से विलेय होगा। तो आप कैसे बताओगे, बता सकते हो कि कौन जल्दी घुलेगा, सिंपल सी बात है, हम यहाँ क्या लगाएंगे, HSAV लगाएंगे, HSAV लगाएंगे और उससे हमें 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन घुलेगा और कौन नहीं घुलेगा। कैसे लगाएंगे, हम जानते हैं Ag+, यहाँ पर कौन होगा, Ag+ होगा। और Ag+ कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, कैसा अम्ल है, सॉफ्ट अम्ल है, जबकि इसके किससे जुड़ा हुआ है, F से जुड़ा हुआ है, फ्लोराइड। और फ्लोराइड कैसा होता है, हार्ड। ठीक है, ये कैसा है, सॉफ्ट है। और क्लोरीन भी कैसा होता है, हार्ड होता है, है ना, ये क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, और ये कैसा होता है, बॉर्डर लाइन होता है ना, और ये कैसा है, सॉफ्ट है। और ये भी कैसा है, सॉफ्ट है, है ना, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है, लेकिन किसके पास है, आयोडीन के पास है, तो इसको भी हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, सॉफ्ट कह देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो आपको विलेयता अगर जाँचनी है कि कौन घुलेगा और कौन नहीं घुलेगा, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे बने हुए हैं, क्या ये हार्ड हार्ड की रिएक्शन से बने हुए हैं या सॉफ्ट सॉफ्ट की रिएक्शन से बने हुए हैं, या तो फिर हार्ड और सॉफ्ट की रिएक्शन से बने हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो AgF, ये कैसे बना हुआ है, एक सॉफ्ट पार्ट है इसके पास, एक हार्ड पार्ट है, यानी कि ये हार्ड और सॉफ्ट की रिएक्शन से बना हुआ है। और हार्ड और सॉफ्ट की रिएक्शन से बना हुआ होगा तो ये कैसा होगा, अस्थाई होगा। और अस्थाई होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा, और आसानी से टूट जाएगा तो सबसे आसानी से घुल भी जाएगा। तो ये अस्थाई होगा, और अस्थाई होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा भाई, टूट जाएगा। ठीक है, और टूट जाएगा, जितनी आसानी से टूटेगा उतनी जल्दी विलेय हो जाएगा, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट से बना हुआ है, और सॉफ्ट सॉफ्ट से बना हुआ होगा तो ये क्या होगा, स्थाई होगा। और अगर स्थाई होगा तो आसानी से नहीं टूटेगा, और आसानी से नहीं टूटेगा तो इसकी विलेयता भी सबसे कम होगी। तो इसका मतलब विलेयता का क्रम अगर हम यहाँ लगाएं तो क्या होगा, विलेयता का क्रम होगा ये AgF की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम AcL और AgBr की, और सबसे कम AgI। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेयता का क्रम, विलेयता का क्रम हो जाएगा ये। तो किस आधार पर हमने बताया विलेयता का क्रम, किस आधार पर बताया, कि ये HSAV के आधार पर, जो हार्ड और सॉफ्ट की रिएक्शन से बने वो अस्थाई होंगे, और अस्थाई होंगे तो आसानी से टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो आसानी से विलेय हो जाएंगे, जबकि जो स्थाई होगा वो आसानी से नहीं टूटेगा और आसानी से विलेय नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि HSAV के अनुसार AgF किसकी, AgF कठोर व मृदु की, कठोर व मृदु से बना होता है, इसलिए यह अस्थाई होता है व आसानी से टूटकर क्या हो जाता है भाई, विलेय हो जाता है, क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है। तो HSAV के अनुसार जो हमारा AgF है कौन होगा, AgF, वो आसानी से विलेय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा विलेय, क्योंकि वो हार्ड एंड सॉफ्ट की रिएक्शन से बना है, अस्थाई है, जबकि
यहां लिख सकते हैं, जबकि एजीआई मृदु मृदु से बना हुआ स्थाई हैलाइड है, स्थाई हैलाइड है, अतः यह आसानी से विलय नहीं होगा, आसानी से विलय नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो हैलाइड हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड हैं, मेटल के साथ बने हुए हैलाइड, उनकी विलयता को डिफाइन कर सकते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ये ऊपर वाला मिटा देती हूँ, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे ये है, एक है CuF2 बने और एक है हमारे पास CuI2। अब हम सोचेंगे कौन विलय होगा कौन विलय नहीं होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर Cu कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, +2। और जब Cu+1 में होता है, Cu+ दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 और एक होती है +2। जो +1 होती है वो होती है सॉफ्ट, कैसी होती है सॉफ्ट, और जब कॉपर +2 में होता है तो ये कैसा होता है, हार्ड। ठीक है, अगर कॉपर +1 में होगा तो सॉफ्ट होता है और अगर +2 में होगा तो हार्ड। तो यहाँ पर कॉपर कौन सा वाला है, हार्ड वाला है, क्योंकि +2 में है। तो ये भी क्या है, हार्ड, और ये भी क्या है, हार्ड। तो ये हार्ड हार्ड की रिएक्शन से बना है, इसलिए ये क्या होगा, स्थाई होगा। जबकि यहाँ देखें, ये है हार्ड और ये कैसा है, सॉफ्ट। तो ये हार्ड सॉफ्ट की रिएक्शन से बना हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, अस्थाई। कैसा हो जाएगा, अस्थाई। और अस्थाई होगा तो आसानी से टूट जाएगा और विलय हो जाएगा, क्योंकि CuI2 क्या है, अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि कठोर और मृदु की अभिक्रिया से बना हुआ है, कठोर और मृदु की रिएक्शन से बना हुआ है, इसमें एक कठोर पार्ट है एक मृदु पार्ट है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि अस्थाई है और टूट जाएगा तो विलय हो जाएगा। तो इनकी विलयता का क्रम होगा, ये होगा विलयता का क्रम। और इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि Cu+2 कैसा होता है, कठोर अम्ल होता है, Cu2+ क्या होता है, कठोर अम्ल होता है, अतः यह F- जो कि कठोर क्षार होता है उसके साथ स्थाई संकुल बनाता है, जबकि आयोडीन एक मृदु क्षारक है उसके साथ यह अस्थाई संकुल बनाता है, इसलिए कॉपर का आयोडीन के साथ बना हुआ संकुल आसानी से विलय हो जाता है क्योंकि अस्थाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं, और क्या क्या एप्लीकेशन है और कहाँ लगा सकते हैं, मैंने HSAB को और कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जो छठवा यूज होगा HSAB का वो है हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीय या अम्लीयता की व्याख्या। हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, जिसमें X कोई भी हैलोजन हो सकता है, तो हमें यहाँ क्या बतानी है, HX यानी कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होंगे उनकी अम्लीयता बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैलाइड से मतलब है, एक है हमारे पास HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इनकी अम्लीयता का ऑर्डर बताओ, मतलब ये बताओ कि कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, तो कैसे बताओगे भाई, तुम तो यूँ कह दोगे HCl पढ़ा है हमने, तो क्या पढ़ा है, HCl हम पढ़ते हैं लैब में, एसिड होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, तो सबसे ज्यादा यही अम्लीय होगा, तो तुम लगा दोगे ऐसे। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, और भी ये सब भी तो HCl है, तो HBr है, HI है, HF है, ये भी तो अम्ल है, ये भी तो अम्ल है, और ये भी अम्ल है, तो अब इनमें ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा है, तो बस क्या करेंगे, HSAB का यूज करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर H+ होगा और F क्या होगा, माइनस होगा, और H+ क्या होता है, H+ एक हार्ड एसिड है, कैसा है, हार्ड एसिड, कठोर अम्ल है, क्या होता है, कठोर अम्ल, और F- क्या है, F- है कठोर क्षार, ये कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना है। HF किससे बना है, कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना है, और कठोर और कठोर कठोर और कठोर के साथ क्या बनता है, स्थाई संकुल बनता है, इसका मतलब ये कैसा होगा, स्थाई होगा, और जो स्थाई होगा वो आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि अम्लीयता किस पर डिपेंड करती है, अम्ल कितना ज्यादा, अच्छा ये बात हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा अम्ल कितना ज्यादा अम्लीय होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कितने H+ आयन देता है रिएक्शन में, है ना, जो अम्ल जितने ज्यादा H+ आयन देगा रिएक्शन में वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, है ना, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका मतलब
अम्लीयता किस पर डिपेंड करती है? H प्लस आयन पर। और H प्लस आयन कब निकलेंगे? जब संकुल कैसा होगा? अस्थाई होगा। अस्थाई होगा तभी तो आसानी से H प्लस दे देगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें HF की, तो ये तो स्थाई संकुल है, इसका मतलब HF के बीच जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि स्थाई है, और स्थाई है तो आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से टूटेगा नहीं तो आसानी से H प्लस देगा नहीं, और H प्लस देगा नहीं तो अम्लीयता ज्यादा प्रदर्शित करेगा नहीं। अगर यहाँ पर आ जाए तो ये तो हार्ड है, H प्लस क्या है? हार्ड। और आयोडीन कैसा होता है? सॉफ्ट। और ये हार्ड सॉफ्ट के रिएक्शन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? हार्ड और सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ है, और हार्ड और सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ है तो ये कैसा होगा? अस्थाई होगा, और अस्थाई होगा तो आसानी से टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन और H प्लस और I माइनस के बीच जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा दुर्बल होगा, और बॉन्ड दुर्बल होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा, आसानी से बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा तो ये आसानी से H प्लस आयन मुक्त करेगा। क्या करेगा? अगर ये बॉन्ड कमजोर होगा तो बहुत ज्यादा H प्लस आयन देगा, आसानी से देगा, और जो जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। इसका मतलब अम्लीयता का ऑर्डर क्या होता है? HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, और सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है? HI। तो इस तरह से हम HSAB के आधार पर इनकी अम्लीयता की व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो अम्ल या वह अम्ल जो अधिक H प्लस आयन मुक्त करता है, H प्लस आयन मुक्त करता है, वह अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। यहां पर अगर हम लिखें HF, तो HF कठोर व कठोर से बना होता है, इसलिए यह स्थाई होता है व आसानी से स्थाई होगा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और बॉन्ड टूटेगा नहीं तो H प्लस मुक्त नहीं करेगा, इसलिए वह आसानी से H प्लस मुक्त नहीं करता है, क्योंकि बॉन्ड तो स्थाई है तो H प्लस आसानी से मुक्त नहीं होंगे तो अम्लीय नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब सबसे कम अम्लीय कौन हो जाएगा? HF, क्योंकि बॉन्ड सबसे ज्यादा स्थाई कहां बन रहा है? HF में बन रहा है, क्योंकि सबसे कम H प्लस आयन यहीं से मिल रहे हैं। और अगर बात करें HI की, तो HI किससे बना है? कठोर व मृदु से बना हुआ होता है, इसलिए यह अस्थाई होता है व आसानी से टूटकर H प्लस आयन मुक्त करता है, H प्लस आयन मुक्त करता है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए यह सर्वाधिक अम्लीय होता है, इसलिए ये कैसा है? सर्वाधिक अम्लीय होता है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? HI। क्यों? क्योंकि ये कठोर और मृदु से बना है, और कठोर और मृदु से बना है इसलिए अस्थाई होता है, और अस्थाई होगा तो आसानी से क्या करेगा? H प्लस को मुक्त करेगा। और इस तरह से इनकी हम किसकी व्याख्या कर सकते हैं? अम्लीयता की व्याख्या कर सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइडों की। ठीक है, अगला जो यूज है, नोट कीजिए जल्दी से, अगला जो यूज है सातवां, वो है प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या। अगला यूज क्या है? प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या, यानी प्रकृति में धातु जो पाए जाते हैं उसकी व्याख्या HSAB के अनुसार कर सकते हैं। कैसे? मैंने पहले भी बताया था
कि जितने भी फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग के तत्व हैं, जो क्षार धातु क्षारी मृदा धातु हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उनको हमने किसकी श्रेणी में रखा है? हार्ड की श्रेणी में रखा है। वो सभी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। इसीलिए वो प्रकृति में हमेशा ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। किसकी फॉर्म में? ऑक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्साइड में कौन होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी कैसा होता है? हार्ड। तो हार्ड अम्ल किसके साथ रिएक्ट करता है? हार्ड क्षार के साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु है वो प्रकृति में किसकी फॉर्म में मिलते हैं? वो हमेशा ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। जबकि हम बात करें मरकरी वगैरह, मरकरी सिल्वर, ये सभी क्या होते हैं? मृदु धातु होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु अम्ल है। और मृदु अम्ल है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? मृदु क्षार के साथ, जो कि कौन होता है? सल्फाइड H2-। इसीलिए ये सभी हमेशा किसके रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। जबकि फर्स्ट और सेकंड वर्ग के तत्व किसके रूप में पाए जाते हैं? ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो HSAV के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही चीज हमको यहाँ लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं कि HSAV के अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले धातु अयस्कों की, इसकी धातु अयस्कों की व्याख्या की जा सकती है। कैसे करेंगे? बता देंगे कि जो फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर अम्ल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लें Mg2+ तथा Ca2+ की बात करें, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो कैसे व्याख्या करेंगे? कैसे करेंगे कि Mg2+ क्या है? Mg2+ और Ca2+ दोनों ही क्या है? क्षारीय मृदा धातु। और क्षारीय मृदा धातु किसमें आते हैं? कठोर में आते हैं। तो Mg2+ तथा Ca2+ दोनों क्या है? दोनों कठोर अम्ल होते हैं। दोनों क्या है? कठोर अम्ल होते हैं। और CO3 2- कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-, इसमें कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसा होता है? कठोर। तो इसका मतलब CO3 2- कैसा है? CO3 2- कठोर क्षार होता है। CO3 2- क्या है? कठोर क्षार है। तो कठोर अम्ल और कठोर क्षार रिएक्ट करेंगे, इसीलिए हमेशा किसके रूप में पाए जाते हैं? मैं कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो Mg2+ Ca2+ दोनों कठोर अम्ल होते हैं, जबकि कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट कठोर क्षार होता है। अतः ये किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा कार्बोनेट के रूप में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम भी कठोर, कैल्शियम भी कठोर, और कठोर किसके साथ रिएक्ट करेगा? कठोर के साथ, जो कि कार्बोनेट है। कार्बोनेट में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है? कठोर। तो कार्बोनेट भी कठोर है, इसीलिए ये हार्ड हार्ड की रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर कठोर कठोर की अभिक्रिया हो जाती है। और ये किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर मिटा देती हूँ मैं। और लें एग्जाम्पल, तो ये ले सकते हैं Al3+ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अब कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। और +3 ऑक्सीकरण में अवस्था में होने की वजह से ये क्या होता है? कठोर अम्ल होता है। तो यहां लिख सकते हैं Al3+ एक कठोर अम्ल है। ठीक है, अतः यह Al2O3 के रूप में पाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? O3 है, यानी O2- है। इसमें क्या होता है? ऑक्साइड होता है। कौन होता है? ऑक्साइड होता है। और ऑक्साइड क्या है? कठोर क्षार। ये हमेशा देखा है ना, एल्यूमिनियम किसके रूप में मिलता है? Al2O3 के रूप में। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम +3 स्टेट में है, और +3 स्टेट में एल्यूमिनियम कैसा होता है? कठोर अम्ल होता है। और कठोर अम्ल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कठोर क्षार के साथ, जो कि कौन सा है यहाँ पर? O2-। तो O2- एक कठोर क्षार है। O2- एक कठोर क्षार है, अतः कठोर की
अभिक्रिया के कारण, कठोर कठोर की अभिक्रिया के कारण यह है Al2O3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है Al2O3 हम व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम भी कठोर है और O2- भी कठोर है, इसलिए कठोर कठोर की रिएक्शन होती है, इसीलिए ये किसके रूप में पाया जाता है Al2O3 के रूप में पाया जाता है। और बात करें तो हम बात करें और देखें तो इनकी बात करें Cu+, Ag+, Hg2+, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी मृदु क्षार होते हैं। कैसे होते हैं? ये सभी मृदु अम्ल है। ये सभी क्या है? मृदु अम्ल है। अतः ये एस टू माइनस जो कि क्या होता है, जो कि मृदु क्षार है के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, वह प्रकृति में सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं कि ये क्यों सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, क्यों हम ऑक्साइड के रूप में नहीं मिलते। Cu+, Ag+, Hg2+ जब भी प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं, कभी ऑक्साइड के रूप में नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट है, मृदु है। अगर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड कैसा होता है? कठोर होता है। ये सभी कैसे हैं? सॉफ्ट हैं। ये सभी क्या है? ये सॉफ्ट है। ठीक है, और O2- के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैसा है? हार्ड है। अगर ये बनाएगा भी HgO तो ये कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, और अस्थायी हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए ये कभी प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता। हमेशा किसके साथ पाया जाएगा? हमेशा किसके रूप में पाया जाता है? सल्फाइड के रूप में। HgS बनाता है क्योंकि ये भी सॉफ्ट है और सल्फाइड भी क्या है? सॉफ्ट। तो किसके रूप में पाया जाता है? HgS के रूप में पाया जाता है क्योंकि ये क्या होगा? स्थायी होगा। तो इस तरह से हम प्रकृति से मिलने वाले अयस्कों की व्याख्या कर सकते हैं कि क्यों हमें क्या कहते हैं ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं, क्यों कार्बोनेट के रूप में ही मिल रहे हैं, क्यों सल्फाइड के रूप में मिल रहे हैं। तो हम HSAB से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हार्ड हार्ड की रिएक्शन से बने होंगे, ये सॉफ्ट सॉफ्ट की रिएक्शन से बने हुए हैं, इसलिए ये ऐसे मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। और अगर देखें, ये नीचे मिटा देती हूं, और अगर देखें तो फर्स्ट ए वर्ग की धातुएं किसके रूप में पाई जाती हैं? ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं क्योंकि फर्स्ट ए वर्ग की धातुएं क्या होती हैं? कठोर अम्ल होती हैं, जो कि O2- कठोर क्षार के साथ क्या बनाती हैं? स्थाई यौगिक बनाती हैं। तो क्या बनाती है? स्थाई यौगिक बनाती है कठोर क्षार के साथ, O2- के साथ, इसलिए ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपके सामने अगर कोई भी दे दिया जाए अयस्क तो आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि कौन सा स्थायी होगा और कौन सा अस्थायी होगा, किस आधार पर? HSCB के आधार पर। अगर कठोर कठोर या मृदु मृदु की अभिक्रिया से बना है तो स्थायी होगा, और अगर कठोर मृदु या मृदु कठोर की अभिक्रिया से बना है तो अस्थायी होगा, नहीं पाया जाएगा। इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। इसका जो अगला गुण है वो है
क्षारीय मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में समूह अभिकर्मकों के चयन की व्याख्या। ठीक है, एचएसएबी के आधार पर जब हम क्षारीय मूलकों का गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या चुनते हैं, अभिकर्मक चुनते हैं, समूह अभिकर्मक, उसकी व्याख्या की जा सकती है। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, आप लोगों ने कभी लैब में गए नहीं हो ना, तो आपको पता नहीं होगा ये क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आप बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हुआ है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनको कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं जिसमें हमको कुछ मूलक अलग करने होते हैं ना, कुछ मिक्सचर दे दिया जाता है, उसमें कई सारे मूलक होते हैं, क्षारीय होते हैं और अम्लीय, दोनों तरह के मूलक होते हैं, उसमें से उनको एक एक मूलक को अलग करना होता है। ठीक है, तो जब हम ये अलग करते हैं क्षारीय मूलक का, जब हम क्षारीय मूलकों को अलग करते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कुछ अभिकर्मक यूज करते हैं। जैसे क्षारीय मूलक जो होते हैं उनको ग्रुप में बांटा गया, एक जीरो ग्रुप, फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, वो नहीं जिसमें पीरियोडिक टेबल है, वो नहीं, ये अलग तरीके के वर्ग हैं। जीरो ग्रुप में अमोनियम होता है, फर्स्ट वर्ग में पीबी होता है, इस तरह से पीबी एजी ये सब कुछ होते हैं, सेकंड वर्ग में एएससीडी वगैरह ये होते हैं, कॉपर होते हैं। तो इस तरह से कुछ मेटल्स जो क्षारीय मूलक होते हैं उनको कुछ ग्रुप में बांटा गया है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उनके लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग अभिकर्मक यूज किया जाता है, अलग अलग अभिकर्मक। जैसे कि ये लैब वाले काम है, आपको यहाँ समझ में नहीं आएंगे कैसे करते हैं, अगर आप कभी प्रैक्टिकल करते तो आपको समझ में आते हैं। तो क्या करते हैं, अगर जीरो वर्ग है तो उसके लिए अमोनियम यूज किया जाता है ना, क्योंकि वो अमोनियम के साथ स्थायी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, अमोनियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। फर्स्ट वर्ग है तो केवल डाइल्यूट एचसीएल यूज किया जाता है। अगर सेकेंड वर्ग के लिए निकालना है तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एचसीएल तो यूज करते ही, उसमें पानी मिलाते हैं, उसको गर्म करते हैं, और उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से सेकेंड वर्ग के मूलक अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग वर्ग के मूलकों के लिए अलग अलग तरह के अभिकर्मक चयन किए जाते हैं, और ये हम किस आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एचएसएबी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्षारीय मूलकों को क्रमानुसार गुणात्मक विश्लेषण के लिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था। तुम क्या चल रहे थे, हमने क्या लिखा था, क्षारीय मूलकों को क्रमानुसार गुणात्मक विश्लेषण के लिए उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि जो क्षारीय मूलक होते हैं उनको वर्गों में बांटा गया है, जैसे जीरो वर्ग, फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, उसी तरह से। तो किस आधार पर बांटा गया है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग अभिकर्मक यूज होते हैं, और क्यों होते हैं वो हम एचएसएबी के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लें कि फर्स्ट वर्ग की बात करें, अगर फर्स्ट वर्ग की बात करें तो फर्स्ट वर्ग में या प्रथम समूह में कौन कौन आते हैं, Pb2+, Ag2+, और कौन आता है, Hg2+, Hg2+ आदि आते हैं। यहाँ Pb2+, Ag2+, Hg2+ मूलक आते हैं। इस तरह से अलग अलग वर्ग बांटे गए हैं, जीरो में अमोनियम आता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ग में कौन आते हैं, Pb2+, Ag2+, Hg2+, सेकंड में कौन आते हैं, Cu2+, As2+, एंटीमनी वगैरह ये सब कुछ आते हैं, ठीक है, ये सेकंड में आते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमने लिखा है प्रथम समूह में Pb2+, Ag2+, Hg2+ मूलक आते हैं, और जबकि ये क्या है, और ये सभी क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं ये सभी क्या है, मृदु अम्ल हैं, ये सभी क्या हैं, मृदु अम्ल हैं, ठीक है, केवल Pb2+ को छोड़कर। Pb2+ कैसा है, सीमा रेखा है, Pb2+ कैसा है, सीमा रेखा अम्ल है, और जबकि बाकी दोनों Ag+ और Hg2+ कैसे हैं, मृदु अम्ल हैं, ठीक है, ये सभी
क्या लिख रही थी मैं, ये सभी मृदु अम्ल हैं, ठीक है। जबकि Pb2+ कैसा है, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, सीमा रेखा है, और सीमा रेखा है तो सबके साथ ही रिएक्ट करेगा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये कठोर के साथ भी करेगा और मृदु के साथ भी करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ये सभी Cl- अम्ल हैं। ये सभी Cl- जो कि एक सीमा रेखा क्षार है के साथ स्थाई संकुल बनाते हैं, स्थाई संकुल बनाते हैं। इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं, इस प्रकार प्रथम समूह में AgCl, PbCl2, Hg2Cl2 आदि के अवक्षेप प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि भी मैंने बताया, अगर हमें फर्स्ट समूह को अलग करना है तो हमें क्या मिलाना पड़ता है, डाइल्यूट HCl, और HCl में क्या होता है, Cl- होता है, और Cl- क्या होता है, एक सीमावर्ती है, और सीमावर्ती दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, कठोर के साथ भी और मृदु के साथ भी। अभी तो आप कहोगे हमने इसको कठोर लिखा था, है ना, तो F- Cl- Br- I-। अगर यहाँ पर बात की जाए कठोर और मृदु की, तो सबसे ज़्यादा कठोर कौन होगा, फ्लोरीन, ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा कठोर। सबसे ज़्यादा मृदु कौन होगा, आयोडीन। अब ये दोनों तो बेचारे बीच वाले हैं ना, ये तो बीच वाले हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, सीमावर्ती होते हैं। नॉर्मली ये क्या होते हैं, सीमावर्ती होते हैं, लेकिन क्लोरीन को कठोर क्यों बोल दिया हमने, क्योंकि ये फ्लोरीन के ज़्यादा पास है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, कभी कभी कठोर बोल देते हैं। ऐसे ही ब्रोमीन को कभी कभी क्या लिख देते हैं, मृदु लिख देते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल में लिखा था, क्यों, क्योंकि ये आयोडीन के ज़्यादा पास है, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, मृदु लिख देते हैं। लेकिन है ये क्या, सीमावर्ती, जिसमें कठोर और मृदु दोनों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। यानी कि अगर ये कठोर के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद कठोर हो जाएंगे, अगर ये मृदु के साथ रिएक्ट करेंगे तो मृदु हो जाएंगे। इसीलिए ये हर किसी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कठोर के साथ भी और मृदु के साथ भी। तो फर्स्ट वर्ग में कौन होते हैं, ये कुछ मृदु और सीमावर्ती अम्ल होते हैं। तो क्योंकि हम Cl- यूज़ कर रहे हैं, और Cl- एक ऐसा क्षार है जो कि सीमावर्ती है, जो कठोर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और मृदु के साथ भी, इसलिए ये फर्स्ट वर्ग की धातुओं के साथ रिएक्ट कर लेता है और उन्हें अलग कर देता है। उनका अलग कैसे करते हैं, हम उसको मिलाएंगे, गर्म करेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। अगर फर्स्ट वर्ग का कोई तत्व होगा तो वो अवक्षेप के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, आप उसे छान लोगे, बाकी बचे हुए अवक्षेप में थोड़ा और पानी मिलाओगे, है ना, पानी मिलाओगे, फिर उसमें गर्म करोगे हल्का सा, फिर उसमें H2S गैस प्रवाहित करोगे। अगर H2S गैस प्रोवाइड करने पर कोई अवक्षेप प्राप्त हुआ तो इसका मतलब उसमें कौन मौजूद है, सेकेंड वर्ग के तत्व मौजूद हैं, जो कि किससे अवक्षेपित हुए, सल्फाइड से अवक्षेपित हुए। सल्फाइड कैसा होता है, एक मृदु अम्ल है, और मृदु अम्ल है तो किसको अवक्षेपित करेगा, मृदु क्षार होता है, सल्फाइड क्या होता है, मृदु क्षार, और मृदु क्षार है तो किसको अवक्षेपित करेगा, मृदु अम्लों को। इस तरह से थर्ड वर्ग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है, OH- और OH- में कौन होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है, हार्ड। इसका मतलब थर्ड वर्ग में जो भी तत्व होंगे वो कैसे होंगे, कठोर अम्ल होंगे, इसीलिए हमको क्या यूज़ करना पड़ रहा है, कठोर क्षार उनको अवक्षेपित करने के लिए। तो इस तरह से हम HACV के अनुसार हम बता सकते हैं कि क्यों हम अलग अलग तरह के वर्गों के लिए अलग अलग तरह के वो यूज़ करते हैं रिएजेंट, क्योंकि हम कठोर और मृदु के उससे बता सकते हैं, क्योंकि कठोर कठोर के साथ रिएक्ट करना चाहता है और मृदु मृदु के साथ रिएक्ट करना चाहता है। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं HACV के अनुसार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अवक्षेप देते हैं, यही लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार द्वितीय वर्ग में क्या होते हैं, मृदु अम्ल होते हैं, जो कि मृदु क्षार H2- के साथ अवक्षेप देते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो तृतीय वर्ग की बात करें तो तृतीय वर्ग में कौन कौन होते हैं, Al3+, Fe3+ और Al3+, Fe3+ और होता है क्रोमियम 3+ आदि कौन होते हैं,
कठोर अम्ल होते हैं, इसलिए इन्हें अवक्षेपित करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है। क्षार मतलब क्षार यानी कि OH माइनस का उपयोग किया जाता है। सॉरी, इसलिए ये हाइड्रोक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं, के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले वर्ग के तत्व क्लोराइड के रूप में ही क्यों मिले, क्योंकि वो मृदु हैं और क्लोराइड क्या होता है, एक सीमावर्ती अम्ल होता है। ठीक है, सीमावर्ती क्षार होता है, इसलिए वो हर किसी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए वो क्लोराइड के रूप में मिलते हैं। सेकेंड वर्ग की बात करें, वो सल्फाइड के रूप में ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो मृदु अम्ल होते हैं और मृदु अम्ल किसके साथ रिएक्ट करता है, मृदु क्षार के साथ, और सल्फाइड क्या होता है, मृदु क्षार। इसलिए जैसे ही हम उसमें H2S गैस प्रोवाइड करते हैं, वो तुरंत रिएक्ट करके अवक्षेप बना लेते हैं और अलग हो जाते हैं, उन्हें हम अलग कर देते हैं। ठीक है, तृतीय वर्ग में जाते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, विलयन में थोड़ा सा हल्का सा अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें NH4OH और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और क्या मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। दोनों ही क्या है, क्षार हैं। ठीक है, क्षार का काम क्या है, क्षार क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि थर्ड ए वर्ग में जो तत्व हैं, जो थर्ड वर्ग में तृतीय वर्ग में जो तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, कठोर अम्ल हैं, और कठोर अम्ल किसके साथ अवक्षेपित होंगे, कठोर क्षार के साथ। तो हमें क्या मिलाना पड़ता है, उसमें ऐसा कुछ मिलाना पड़ता है लिगेंड जिसमें क्या कहते हैं, कठोर क्षार उपस्थित हो। जैसे कि हमने क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कौन होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होता है, हार्ड। तो इस तरह से जो अलग अलग वर्ग के तत्व हैं जो कि क्षारीय मूलक है, उनको हम पृथक्करण कर सकते हैं, किसके आधार पर, HSAB के आधार पर। तो ये थे कुछ उपयोग, कुछ एक दो उपयोग और बाकी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और हम देखेंगे HSAB को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज। ठीक है, HSAB तो केवल एक सिद्धांत था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज तो लगी होंगी, तो उन थ्योरीज को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।